छत्तीसगढ़ में लगातार 15 सालों तक भाजपा की सरकार रही। 15 सालों के भाजपा कार्यकाल के बाद जनता ने परिवर्तन दिखाया और कांग्रेस की सरकार बनी। कांग्रेस की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में मुख्य रूप से दो लोगों के नाम सामने आए। पहला नाम था भूपेश बघेल और दूसरा नाम था टीएस सिंहदेव। टीएस सिंहदेव के नाम को लेकर सरगुजा में, खास करके सरगुजा संभाग में लोगों ने ये उम्मीद थी लोगों को कि टीएस सिंहदेव छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बनेंगे। हालांकि पार्टी हाईकमान ने भूपेश बघेल के नाम पर अपनी सहमति दिखाई और भूपेश बघेल को छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बनाया। उसके बाद एक मुद्दा उठकर सामने आया, ढाई ढाई साल का मुख्यमंत्री, जिसमें ये कहा जाने लगा कि ढाई साल तक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री होंगे भूपेश बघेल और ढाई सालों के बाद टीएस सिंहदेव को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। हालांकि उस समय ये मामला ठंडे बस्ते में चला गया, पर अभी कुछ दिनों से ये मामला दोबारा से सामने आया है, जिसको लेकर कई जगह ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में टीएस सिंहदेव को देखा जा सकता है। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण कृष्ण यादव और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान पथ। और इसी मुद्दे पे हमारे साथ चर्चा करने के लिए आज मौजूद हैं एनएसयूआई के राष्ट्रीय संयोजक और छात्र नेता प्रतीक सिंह। आइए इनसे इसी मुद्दे पर बात करते हैं। प्रतीक जी, स्वागत है आपका। वेलकम। ढाई ढाई साल का मुख्यमंत्री, ये मामला तो छत्तीसगढ़ में अभी तुल पकड़ा हुआ है। आपने भी इस मामले के बारे में सुना होगा, क्या ऐसा हो सकता है कि टीएस सिंहदेव को छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बनाया जाए? देखिए, जब हम लोग 2018 में चुनाव लड़े थे तो वो चुनाव दो लोगों की जोड़ी थी, भूपेश बघेल जी की जोड़ी और टीएस बाबा की जोड़ी, और वही जोड़ी का परिणाम है कि आज छत्तीसगढ़ में हम लोग 70 सीटों पर काबिज हैं। और जो मुख्यमंत्री की रही बात, तो मुख्यमंत्री का फैसला हमारे आलाकमान, हमारे उस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी के ऊपर सभी नेताओं ने छोड़ा था कि राहुल गांधी जी जो फैसला लेंगे सभी नेताओं को स्वीकार होगा। तब फिर राहुल गांधी जी ने प्रदेश के जितने भी बड़े लीडर थे उनको बुलाया दिल्ली, और दिल्ली बुलाने के बाद उन पर माननीय भूपेश बघेल जी पर मुहर लगाया और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी को बनाया। और उन्हीं के साथ आप देखे होंगे कि हमारे टीएस बाबा जी भी छत्तीसगढ़ शासन में एक वरिष्ठ और काफ़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग का और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का। मुख्यमंत्री के पद को छोड़कर स्वास्थ्य मंत्री का पद, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि टीएस सिंहदेव के रूप के साथ बहुत बड़ा छलावा किया है पार्टी ने? क्योंकि कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की जो सरकार आई है उसमें टीएस सिंहदेव का अहम हाथ है। देखिए, पार्टी छलावा किसी के साथ नहीं करती है। पार्टी में बहुत सारे नेता होते हैं और कुर्सी एक होता है, तो किसी एक को ही उस कुर्सी पर बैठने का अधिकार होता है। तो और ये कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, तो ये कोई मुद्दा नहीं है और ये कोई बहस का विषय भी नहीं है। हाईकमान ने अगर माननीय भूपेश बघेल जी पर भरोसा जताकर उन्हें मुख्यमंत्री बनाया है, और ढाई साल से माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी भी छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए जनहित का काम कर रहे हैं। क्या छत्तीसगढ़ की जनता को ये जानने का हक नहीं है कि ढाई सालों के बाद टीएस सिंहदेव मुख्यमंत्री बन सकते हैं? अब देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि उसका फैसला तो आदरणीय राहुल गांधी जी और अभी वर्तमान में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी वो तय करेंगी, और जो भी होगा हम लोग तो कांग्रेस पार्टी के एक कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं। पार्टी का संगठन का जो आदेश आएगा, जो निर्देश रहेगा, हम लोगों को काम करना है। हम लोग तो कोई भी हो, हम लोगों के लिए तो संगठन और कांग्रेस पार्टी महत्वपूर्ण है। आप रामानुजगंज से बिलोंग करते हैं, रामानुजगंज विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 7, जहाँ के विधायक हैं बृहस्पति सिंह जी। यहाँ एक मुद्दा अभी उठकर आ रहा है, सत्ता और संगठन में मनमुटाव, क्या ये सही है? देखिए, सत्ता और संगठन में तो मनमुटाव नहीं है। सत्ता अपना शासन चलाने का काम कर रही है, योजनाओं को ला रही है, लोगों तक पहुंचाने का काम कर रही है, और संगठन को जो भी गाइडलाइन मिल रही है कि किस तरीके से संगठन को मजबूत किया जाए, संगठन कि दिशा निर्देश, चाहे वो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी से आए, चाहे वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी से आए, चाहे हमारे एनएसयूआई से भी जो निर्देश आता है, हम लोग निरंतर लोगों के लिए उनका मदद करना और जनहित का कार्य करना, और साथ ही साथ हम लोग संगठन को मजबूती करने का काम निरंतर कर रहे हैं। एक चीज़ और अभी सामने है, एक मुद्दा बहुत अहम मुद्दा माना जा सकता है, महंगाई। जिस तरह से आप देख रहे हैं पेट्रोल और डीजल के बढ़ते हुए दाम, पेट्रोल और डीजल ही नहीं, रसोई गैस हो गया, यहाँ तक कि घर में उपयोग किए जाने वाले तेल, खाने का तेल हो गया, इसके बढ़ते हुए जो दाम हैं, इसको लेकर कहीं ना कहीं जो है आम जनता है बहुत ज़्यादा प्रभावित है, इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे?
वो तो जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी को 2014 में मीडिया ने जिस तरीके से उन्हें बहुत बड़ा नेता साबित किया, और उसके बाद फिर उन्होंने जितने लोगों को पेट्रोल डीजल के दाम 35 रुपए करने की बात कही थी, फिर महंगाई कम करने की बात कही थी, तरह तरह की झूठ जुमला करके नरेंद्र मोदी देश की लोगों के साथ छलावा करके सत्ता में आ गए। और सत्ता में आने के बाद धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि सारे जितने भी कांग्रेस ने 70 साल तक जितनी अपनी आईआईटी हो, चाहे आईएम हो, एम्स हो, आपका देश में जितने भी देश के धरोहर हैं, हर चीज़ को कांग्रेस ने बनाया, और मोदी जी आने के बाद सभी चीज़ को अपने दोस्तों के हाथ, नील अंबानी और अंबानी और अडानी के हाथों बेच रहे हैं, आप तो देख ही रहे हैं। रही बात महंगाई की, तो आप देख लीजिए आज पेट्रोल और डीजल 100 के पार हो चुका है। पेट्रोल डीजल 100 के पार होना, उसका सीधा असर पड़ता है ट्रांसपोर्टिंग पर। ट्रांसपोर्टिंग पर असर पड़ेगा तो महंगाई, तो घर में यूज करने वाले जो घरेलू उपयोगी सामान है वो भी महंगे होते जा रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी कुल मिलाकर सत्ता चलाने उनको नहीं आ रहा है। वो जिस तरीके से उत्तराखंड के सीएम को बदल रहे हैं, तो सबसे पहले तो आरएसएस को और भाजपा को अपना प्रधानमंत्री बदलना चाहिए। जब देश संभाली नहीं जा रही है आपसे, आप कुछ काम कर नहीं पा रहे हैं, तो फिर आपको सत्ता में बैठने का अधिकार नहीं है। कांग्रेस शासन के छत्तीसगढ़ में 2.5 साल पूरे हो चुके हैं। चुनावी घोषणा पत्र में कांग्रेस ने कई वादे किए थे, उनमें से कितने वादे अभी तक पूरे हो चुके हैं, और जो बचे हुए वादे हैं वो कब तक पूरे होंगे? देखिए, आप तो आपको एक चीज़ बता दूं कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में जो घोषणा पत्र बनी थी वो जन घोषणा पत्र थी, जिसके चेयरमैन आदरणीय टीएस बाबा जी थे, जो कि हर विधानसभा ब्लॉक में जाकर लोगों की समस्या पूछकर, हर वर्ग, हर आपके मीडिया से भी पूछे, डॉक्टरों से पूछे, हर लोगों से पूछकर उन्होंने एक जन घोषणा पत्र तैयार किया, और उसमें 36 वादे थे, जो कि 2.5 साल में हमारी कांग्रेस की सरकार ने 36 में से 24 वादों को पूरा किया है। और अभी तो हमारे पास 2.5 साल का समय बचा है, जब हम 36 में 24 पूरा कर दिए, तो जो 12 हमारे घोषणा पत्र में 12 बचे हुए हैं, तो उसको भी जल्दी हम पूरा करेंगे। और आपको बता दूं कि काम भी, देखिए 2.5 साल में हमने, जैसे कि राहुल गांधी जी ने कहा था कि चुनाव सरकार बनने के 10 दिन बाद हम कर्ज माफ़ी करेंगे, और 10 दिन बाद के वो 10 घंटे के अंदर कर्ज माफ़ी हुआ। तो वैसे ही छत्तीसगढ़ सरकार लोगों के लिए, जनहित के लिए और जनता के हित में काम कर रही है। धान खरीदी को लेकर एक बात, धान खरीदी सरकार ने की, समर्थन मूल्य भी दिया गया, परंतु कई ऐसे, अपने बलरामपुर ज़िले में ही कई ऐसी समितियाँ हैं जहाँ धान खरीदी हुई है, उसके बाद वहाँ से धान का उठाव नहीं हो पाया है। उसके लिए तो अभी आपके माननीय खाद्य मंत्री जी ने सभी कलेक्टरों को निर्देशित किया था, और कि तत्काल धान उठाओ। उसके लिए अभी आपके पिछले महीने में बलरामपुर ज़िले में भी कलेक्टर साहब ने सारे राइस मिलरों की बैठक लेकर उन्हें निर्देशित किया था कि आप तत्काल धान उठाएं, और अब तो देखिए कहीं कहीं से धान उठना भी शुरू हो चुका है। कई जगहों पर धान तो सड़ भी चुके हैं अभी भी, तो क्या कुछ होगा इन धानों का, अब क्या किया जाएगा? अब जो धान सड़ गए हैं तो भाई ये तो थोड़ी परेशानी है इससे, लेकिन इसको भी जो उसमें अच्छे होंगे, जो उसको उपयोग में लिया जाएगा। चलिए, इस मुद्दे से अब हम हटते हैं और एक आपके सफ़र के बारे में कुछ बात करते हैं हम। आपने राष्ट्रीय संयोजक तक का जो सफ़र तय किया है, क्या कुछ आपका सफ़र रहा है, कैसे आपने किया? देखिए, हम लोग एक नॉन पॉलिटिकल फैमिली से हैं, और हम लोग, मैं जब कॉलेज में गया था फर्स्ट ईयर में, उस समय हम लोग NSUI ज्वाइन किए थे, और NSUI ज्वाइन करने के बाद आज मैं इस रामानुजगंज जैसे छोटे से शहर और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड का जो सीमावर्ती क्षेत्र है वहाँ से आते हैं, और यहाँ से दिल्ली राष्ट्रीय कार्यकारिणी में काम करने का मौका, इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति को श्रेय जाता है, जो कि हमारे देश के जन नेता राहुल गांधी जी को। राहुल गांधी जी 2009 में NSUI और यूथ कांग्रेस में जो संगठन चुनाव शुरू किए थे, आज उसी का परिणाम है कि आज हम लोग के जैसे छोटे नेता, हम लोग के जैसे छोटे कार्यकर्ताओं को, अंतिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को आज राष्ट्रीय स्तर पर काम करने का मौका मिला। फिर हम लोग 2009 में NSUI का इलेक्शन हुआ, उससे लड़कर हम लोग, मैं तो कॉलेज का उपाध्यक्ष बना सबसे पहले,
फिर 2011 में संयुक्त सरगुजा हुआ करता था, उस समय जिला महासचिव चुनाव लड़के बना। 2012 में जब बलरामपुर जिला बना तो बलरामपुर जिले का 2012 से 2018 तक मैं 2019 फरवरी तक मैं जिला अध्यक्ष रहा, प्रथम जिला अध्यक्ष 8 साल रहा। उसके बाद मुझे प्रदेश महासचिव का जिम्मेदारी दिया गया, उसे भी मैंने 2 साल बखूबी निभाया। उसके बाद राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश की नेतृत्व को काम देखकर और जिस तरीके से हम लोग निरंतर छात्र हित के मुद्दों को उठाने के साथ साथ हम लोग जनहित की मुद्दों को भी उठाते हैं, तो मुझे नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाकर राष्ट्रीय संयोजक के पद पर देकर मुझे आगे काम करने का मौका दिया गया। तो हमारे साथ जुड़े हुए थे कांग्रेस के NSUI के राष्ट्रीय संयोजक प्रतीक सिंह जी, धन्यवाद।